हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपर लिप्स पर अगर बाल आ जाते हैं तो उन बालों को हटाने के लिए महिलाओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन नेचुरल तरीके भी हैं जो अपर लिप्स के बालों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये तरीके न केवल बाल को हटाते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ को भी कम करते हैं। ये घरेलू उपाय अनचाहे बालों को हटाने का सबसे आसान तरीका है। आइए जानते हैं इस रेमेडी को आप कैसे बनाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी शुगर यानी चीनी। चीनी त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए बेस्ट नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स में से एक है। चीनी स्किन के डेड सेल्स हटाने में मदद करता है। डेड सेल्स हट जाने से स्किन अधिक चमकदार होती है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच के करीब चीनी ले रही हूँ। आपको भी इसी तरह से लेना है। दूसरा इन्ग्रीडियंट मैं ले रही हूँ मिल्क यानी दूध। दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन सहित अन्य आवश्यक पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन में नमी बनाए रखती है और साथ ही त्वचा को मुलायम और हाइड्रेट रखती है। दूध काले दाग धब्बे को कम करता है और रंग निखारता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ लेमन यानी नींबू। नींबू एक प्राकृतिक उपचार है जो आपकी त्वचा के रंग को हल्का करने और एक समान रंगत पाने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैं आधा नींबू ले रही हूँ। इसी तरह से आपको भी लेना है। यहाँ पे मैं नींबू के बीज को निकाल लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। कुछ लोगों का कमेंट ये आएगा कि आपने इसमें रॉ मिल्क मिलाया है या बॉयल दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं बॉयल मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और वो भी ठंडा है, तो आपको ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे और नींबू का रस उसमें डालेंगे तो वो फट जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपकी रेमेडी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे मैं लूँगी पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी को उसके औषधीय गुण के लिए जाना जाता है। ये त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। हल्दी को चेहरे पे अगर सही तरीके से लगाया जाए तो यह डेड सेल्स को दूर करती है और टैनिंग को भी हल्की करती है, त्वचा को भी निखारती है। अब इसे मैं गर्म करूँगी। आपको तब तक गर्म करना है जब तक ये एक थिक सा पेस्ट ना बन जाए, एक गाढ़ा घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट लगता है इस घोल को बनने में। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको उबालना है। धीरे धीरे झाग बनने लगा है इसमें और थिक होने लगा है। तो इसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये थिक हो गया है या नहीं। तो अभी थोड़ी सी थिकनेस बाकी है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपका हाथ जले नहीं। इस तरह से आपको चेक करना है। ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाली हूँ कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी जो कि है बेसन। तो 1/2 चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन पे बेसन लगाने से स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन निखर जाता है। तो यहाँ पे मैं जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज की हूँ सारा नेचुरल है और बहुत ही आसानी से आपके घर में सब कुछ मिल जाता है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इस रेमेडी का सबसे खास बात यह है कि अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल आप करते हैं तो 3 से 4 महीने तक आपका हेयर नहीं आता है। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। अब मैं अपने हैंड पे लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। आपको दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं नज़दीक से थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रेमेडी को आप सही तरीके से बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो 100% वर्क करता है ये रेमेडी। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। स्किन को साफ कर ले, पानी, ऑयल या फिर पसीना स्किन पे है तो ये रेमेडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। और इसे ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है, नहीं तो आपका स्किन जल सकता है। आपको कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से पतली लेयर स्किन पे लगानी है और ये धीरे धीरे फैलते जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी रेमेडी मैंने इस्तेमाल की है और ये फैल रहा है किस तरीके से, और बहुत ही अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है, और आपको एक स्ट्रिप लेना है और इसे चिपका लेना है प्रेस करते हुए, और इसको आपको अपर डायरेक्शन में हटाना है। आपको हटाते ही सारे बाल निकल जाते हैं एक ही बार में, आप देख सकते हैं सारे हेयर निकल गए हैं और बिल्कुल क्लीन हो चुका है स्किन, आप देख सकते हैं। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगी कि आप देख सकते हैं कि सारे हेयर एक ही बार में निकल गए हैं कैसे। इसी तरह से इसे पूरे हैंड में अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि सारा हेयर इस स्ट्रिप में आ चुका है। इसके बाद आपको पानी से स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लीन कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, स्किन ड्राई ना हो, स्किन में नमी बनी रहे, इसलिए हम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।